देखो कैसे यार, सभी लोग आशा करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। जैसा यहाँ पे एसएससी सीएचएसएल का जो है टाइपिंग टेस्ट जो है टायर थर्ड का जो यहाँ पे हुआ है, तो जो कुछ कैंडिडेट हैं हमारे साथ मौजूद हैं वो सीधे आपको लाइव बताएंगे क्या बातचीत रही, क्या अंदर का लेवल रहा, किस तरीके से उन्होंने टाइपिंग कराया, क्या क्या दिक्कतें आई, क्या दिक्कतें नहीं आई, क्या सिस्टम ने प्रॉपर वर्क किया। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन को जरूर ऑन करें, और वीडियो को अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आइए जानते हैं। तो सर बताइए, आप पहले बताइए टाइपिंग में आपका कौन सा था, इंग्लिश था या हिंदी था? हिंदी हिंदी था। हिंदी में कितनी पर मिनट होता है? 1500 कीवर्ड रन में होते हैं। अच्छा, 30 के स्पीड मांगते हैं। अच्छा, तो उन्होंने बोला था तो क्या टाइप राइटर ने बोला था किस तरीके से? क्या नहीं, कंप्यूटर पे टाइप कराया था कीबोर्ड के साथ प्रॉपर जैसे होता है। और जैसे कोई गलती हो जा रही थी उसमें से यूज कर सकते थे, उसकी कोई लिमिट नहीं थी। अच्छा, ये बताइए अंदर का जो कहते हैं सिस्टम प्रॉपर वर्क कर रहा था कि नहीं? सिस्टम प्रॉपर वर्क कर रहा था, जो बटने थी कीज थी वो थोड़ा प्रॉब्लम कर रही थी, जैसे बैक स्पेस की दबाने में बहुत टाइट थी, बाकी दब सब रही थी। और बाकी जो एक दो लड़के अगल बगल बैठे हुए थे उनको दिक्कत थी, उनका कीबोर्ड चेंज कर दिया गया था। ठंड की वजह से भी थोड़ा हाथ पैर नहीं चलते हैं उस हिसाब से, अब उसके लिए वो तो आपको खुद मैनेज करना पड़ेगा। तो कुल मिला के क्या कह सकते हैं, जो आपका डेस्कटॉप था उसमें से कीबोर्ड में थोड़ा सा बैक स्पेस की में दिक्कत आ रही, बाकी उसके अलावा कोई दिक्कत आ रही हो? नहीं, बाकी सारी की मतलब टाइट थी लेकिन वर्क कर रही थी, मेरी तो प्रॉपर वर्क कर रही थी। अच्छा, आप ये बताइए सर आपका सीएचएसएल में लमसम स्कोर कितना रहा होगा? मेरा 202 नंबर रहा है टोटल। 202 नंबर, तो काफी अच्छा स्कोर रहा आपका, और उसका सेकंड भी आपका अच्छे से हो गया डिस्क्रिप्टिव। जी हाँ। तो इसका टाइपिंग का क्या हिसाब किताब, क्या बताया? नहीं, टाइपिंग मेरी पूरी हो गई, 1530 की स्ट्रोक दब गए हैं अंजी टाइपिंग में। अच्छा, लमसम अंदर बात करें बच्चे कितने रहे होंगे लमसम? अटेंडेंस लगभग पूरी थी, दो चार बच्चे जो ना हो क्योंकि मेरी रो पूरी है। ऐसी बात है कि वो डिस्क्रिप्शन देने के बाद मेरी आपकी रो पूरी थी। आप कौन सी कैटेगरी से? जनरल से। जनरल से, तो देन आपका अब क्या बचा हुआ सर? अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, पहले तो उसका रिजल्ट आए, उसके बाद डीवी होगा। रिजल्ट लमसम वही कह सकते हैं कितने दिनों में आ जाएगा? पता नहीं, अभी तो बोर्ड जाने, वैसे 1 से 1.5 महीने दे देना चाहिए। वैसे SSC का काम काफी जो है स्पीड से हो रहा है, तेजी से हो रहा है, और आगामी भर्ती CHSL की फिर से आने वाली है, तो जाहिर सी बात है काम बहुत ही तेज चलेगा। और पैटर्न का क्या सिस्टम, किस तरीके से, कौन सा पैसे जो क्या टाइप क्या करवाया था? ज़्यादा पैसे स्टफ नहीं था कोई, जैसे कोडिंग हिंदी में पूछी जाती है जैसे कि परसेंट का साइन लगाना होता है या एक्स्ट्रा मैट्रिक मार्क लगाना होता है, ऐसी कोडिंग का कोई वर्ड नहीं था, केवल सिंपल था, कॉमा था और अपना आपका कुछ लाइनें वगैरह याद होंगी आपको क्या? सांस्कृतिक था, रहस्य, इस टाइप के वर्ड जो थे टिपिकल थे, राजनीतिक, और ज़्यादा कोई इशू नहीं था, बाकी सिंपल पैसेज था। बाकी सिंपल पैसेज कह सकते हैं। लमसम कितने वर्ड का बोला गया होगा? बता तो रहे, पूरा टाइप हुआ था, 1530 की स्ट्रोक थी, 1530 की स्ट्रोक थी। अच्छा, टाइमिंग वही? टाइमिंग वही 10 मिनट। 10 मिनट पहले 10 मिनट मॉक हुआ था, 3 मिनट बैक, फिर 10 मिनट का पेपर, फिर 3 मिनट में वो आपको देना था आंसर, सिक्योरिटी वाला आंसर देना था। तो लमसम कह सकते हैं जिस हिसाब से अगर उन्होंने बोला था तो सिंपली बोला था, तो लमसम कह सकते हैं सारे कैंडिडेट तो लमसम पारी कर देंगे कुल मिलाकर। हाँ, जिन्होंने महीने दो महीने टाइपिंग की वो कर देंगे। अच्छा सर, ये बताइए कि जो है SSC CHSL में फाइनल मेरिट क्या जा सकती है? जनरल की लास्ट टाइम 222 गई थी, ऐसे ही जानी चाहिए 222। आप तो OBC से है ना? नहीं, जनरल है। जनरल है आपका? जनरल है। पेपर के नंबर ऐड होके मिलता है ना? दोनों नंबर के पेपर ऐड होके मिलेंगे। तो आपके लिए जाने वाले लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं, जो आगे भी 1 बजे से एग्जाम है, 19 कैंडिडेट जाएंगे, उनके लिए टाइपिंग के लिए आप क्या कहना चाहते हैं, किस तरीके से ज्यादा प्रेशर में ना करें, किस तरीके से बस पैनिक ना हो, बाकी बहुत मतलब हल्का पैसे जा रहा है, कोई ज्यादा लंबा लेंदी नहीं है। और जो बता रहे थे कि बैक स्पेस की नहीं दबती है या आपका स्पेस बार में प्रॉब्लम हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, प्रॉब्लम नहीं है, कह सकते हैं प्रॉपर वर्क कर रहे हैं सिस्टम। हाँ हाँ। उसके बाद बात करते हैं आपका, जैसे कह सकते हैं कि वो अंदर जो कैंडिडेट जाएंगे उन पे क्या अंदर माइक लगा के बुलवाया जा रहा था कि या फिर सीधे कुछ ऐसे बगल में खड़े होकर बोल रहे? नहीं, वो बता भी रहे थे, माइक से भी बता रहे थे, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मतलब जो आपके क्लास में टीचर टहल हैं आप उनसे पूछ सकते हैं। अच्छा, कुल मिला के डॉक्यूमेंट की बात करें? डॉक्यूमेंट केवल आधार कार्ड लगाया मेरा और फोटो लेके गए थे और प्रवेश पत्र, बस एडमिट कार्ड फोटो, उसका आधार कार्ड, बाकी कोई अन्य डॉक्यूमेंट ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट मतलब कोई दिक्कत है जैसे कि डेट ऑफ बर्थ किसी मैच नहीं हो रही तो दूसरा भी ले जा सकते हैं, आइडेंटिटी कार्ड अपना ले जाइए बस। तो ओवरऑल बढ़िया से टाइपिंग करना है आपको, पैनिक नहीं होना है। और जैसे कि भैया क्या नाम है भैया आपका? जी गौरव अग्नोत्री। भैया ने काफ़ी अच्छे तरीके से पूरा एनालिसिस करवाया, अच्छे तरीके से बताया किस तरीके से टाइपिंग रही और संस्कृति, रहस्यमय और परसेंटेज वगैरह से इस तरीके से जो है कोडिंग के बारे में पूछा जा रहा था। और भी कुछ कैंडिडेट हैं उनसे भी उनकी राय जानेंगे क्या रहा टाइपिंग का सिस्टम। तो अगले शिफ्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।